इस वाले कमरे की सफाई की है सारा दिन। मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। बच्चों के कमरे के लिए मैट्रेस मंगवाए थे मैंने 3। आप बहुत प्यारे लग रहे हो, कलर्स बहुत वाइब्रेंट लग रहे हैं। बच्चों के फाइनली मैट्रेस आ गए आज। अच्छा मैंने मटन बनाया है, देखा ना भून के सही। हमारे लॉन में कितने प्यारे पौधे निकले हैं माशाल्लाह। आज मैंने बनाई है जी क्रीम चाट तमाम फ्रूट्स की, ये लो। सो गई थी और लारा मेरी वजह 4 बज रहे मेरी वैसे आँख खुली है। मैंने ना एक ही पराठा बनाया क्योंकि लेट हो गया था ना, मैंने कहा चलो बस जल्दी से एक बना लेते हैं, बस सहरी बन गई, चलते हैं छत पे जल्दी से। जब तक मैं सहरी लेके गई हूँ तो 4:15 हो चुके थे। जल्दी जल्दी घास को उठाया कि सहरी करो क्योंकि 4:28 पर रोजा बंद जाना था। अच्छा जी, इसके अलावा भी मैंने आके ढेर सारी चीज़ें बनानी है, लाइक मटन पुलाव भी बनाना है मैंने, और मैंने वो भी बनानी है आज तस्वीर के लिए स्पेगेटी बनानी है। आपको पता है इफ्तारी में भी हमारे घर में 2 डिशेज बनती हैं। मैं भी आपको छत पर जाकर ना कुछ दिखाती हूँ, बच्चों के ईद के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी मैंने। मेरे और वकास के ना ऊपर नीचे आके ना पैरों में दर्द हो गया, क्योंकि अभी हमारा काम ऐसा है कि एक कमरे का काम है ही नहीं है, कभी ऊपर आना पड़ता है कभी नीचे आना पड़ता है, तो जिसकी वजह से टांगे इतनी दर्द करती हैं ना रात को, वो टांगों में क्या बोलते हैं पंजाबी में, खलियाँ पड़ जाती हैं मेरे टांगों में। ये एक इंस्टाग्राम पेज है रियलिटी के नाम से, इनके पास बच्चों के बहुत ही आला आर्टिकल होते हैं। मैंने यहाँ से 3 आर्टिकल सेलेक्ट किए थे तस्वीर के लिए, अरमिश के लिए और बलाज के लिए। मैं आगे ना वीडियो में इनको पहना के दिखा दूंगी वो आर्टिकल, ताकि आप लोगों को भी ना ईद के लिए लेने में आसानी हो जाए, और हर बच्चे का साइज़ अवेलेबल है इनके पेज पर। लेकर ये देखिए बकास करें, मैं सिर्फ 2 लेके जा सकता हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं तीसरा मैं लेके आती हूँ। चले, इतने भारी तो नहीं थे बच्चों के बेड का मैट्रेस। मैट्रेस हमें नीचे गिरने लगी हूँ। यस बेबी, कैमरा आया है आपके कमरों के लिए और किचन के लिए। मैट्रेस 3 है, 3 बेड के 3 मैट्रेस। बच्चों के कमरे के लिए मैट्रेस मंगवाए थे मैंने 3, तीनों आ गए मैट्रेस। मकान साहब खोल रहे हैं, लट्टू खराब ना करना, यूज हो जाएंगे हैं। स्लाइड है देखो इनकी। मैंने बेडशीट मंगवाई थी और 3 मैट्रेस। तस्वीर आपको कौन सा कलर था, ये वाला या वो वाला? ये था ना मेरा, ये ठीक है यार। ये वाला तस्वीर अरमिश पसंद किया था, वो बलाज अभाज का। पैकिंग प्यारी है वैसे इसकी, मैट्रेस की पैकिंग अच्छी की हुई है। ज़िपर वाला शायद इससे खराब नहीं हो। ये देखें यहाँ से ऐसे उठा के रखें, भी रहते जाओ। हाँ चले रखें, ये ले लीजिए ऊपर ना ले। ये रहा आपका मटारस मटारस का दूसरी साइड भी, और के अब बिछाना है यहाँ ऊपर सबसे ऊपर तस्वीर का, सबसे ऊपर किसका हाथ तस्वीर का, और लग रहा पूरा आ जाएगा। एग्जैक्टली पूरा, रियली 110%। हाँ ये वाला ठीक है, ओके। अब अरमिश का डालें, ओके। ग्रैम्बो सिंगल मैट्रेस की बेडशीट नहीं, सिंगल की है, बच्चों की नहीं है, बच्चों की वो प्रिंटेड मिलती है ना कार्टून शार्टून वाली, और ढेर सारी ले आएंगे। वन मोर मैट्रेस, बिस्मिल्लाह। ये बहुत प्यारा कलर था वैसे, तसीब ने चेक वाला भी बड़ा प्यारा पसंद किया है। चले इतना टाइम वेस्ट करते हो, बाहर बारिश हो रही है, आपको दिखाती हूँ ठहरे। ये देखें नेट से देखो, मच्छर आ जाएगा अंदर वरना। ये लो भैया, वाह, ओह ये माशाल्लाह। ब्लू भी खुल गया, निकालूं ये, बिस्मिल्लाह। ये ला कोने में कुछ है ना जिससे मैट्रेस स्लिप होकर नीचे नहीं जाता? हाँ है बेड का, ये देखे ना, ये बेड का है। आदम अंदर करें, अंदर हो जाएगा उसके साथ। हाँ हाँ उससे पेश करवा लो, बल्कि अब सही हो गया, आराम से ला गया अंदर। अब ये टाइट कर देना बस जो हिल रहा है। ओके भाई मैट्रेस लग गया बच्चों के, बच्चे गंदे ना करें तो उस पर बेडशीट बिछाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं ऐसे। ओके भाई तो आप लोगों को कुछ दिखाना है।
टंडन कैसा टंडन। ये देखें बच्चे हो गए हैं रेडी, मैं आपको वन बाय वन सबकी वीडियोस दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा माशाल्लाह लग रहा है इसके ऊपर माशाल्लाह से। मैंने सोचा था ईद पे बनाऊंगी, अलविदा जुम्मे पे बनाऊंगी, पर मैंने कहा चलो अब सब लोग पूछ रहे हैं कि बच्चों के कपड़े दिखा दे ईद वाले, तो आपको दिखा देती हूँ। बटन्स लगे हैं, बटन्स की स्टिचिंग इतनी अच्छी है ना कि आप रेडीमेड कपड़े लेते हो तो बटन निकल जाते हैं, इसका ऐसा कोई सीन नहीं। आप सफाई भी देख सकते हो और यहाँ पे पॉकेट बनी हुई है बहुत ही प्यारी सी पॉकेट, अंदर से भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें ऐसे, और ब्लाउज खड़े होकर दिखाओ, और साथ में इसका इतना क्यूट सा पजामा है, नाइस। हैंड्स दिखाओ, दूसरा हैंड दिखाओ, पॉकेट्स किधर है, पॉकेट्स, वाओ। और बटन्स कहाँ लगे हैं, बटन्स प्यारा लग रहा है आपके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा। अब अर्मिश के ड्रेस की बारी है, इसका जो ड्रेस है ना ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, इस पर बटन देखे ना, आपको खींच के दिखाती हूँ, इतने अच्छे बटन लगे हैं मेरा कि टूटते नहीं, इसलिए इसका स्टाइल देखें कितना प्यारा है। और यहाँ पे भी वो स्टिचिंग हुई हुई है बहुत ही प्यारा यार। रियलिटी के कपड़ों की ना सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी आपकी ना, आप इनको वॉश करोगे ना इनकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। कपड़ा देखें कितना प्यारा कपड़ा आपको हाथ में लिया नजर आ रहा होगा कपड़ा, इसके अलावा कलर्स खराब नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। और ये तसीब का फ्रॉक देखें माशाल्लाह, तसीब स्लाइड लेके नीचे आ जाओ, ये देखें तसीब का भी मैंने हेयर स्टाइल बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये तसीब के फ्रॉक के ऊपर, तो बल्कि तसीब की जो पैंट है ना इस पर भी डिजाइन है, ये बटन्स लगे हैं और ये भी बहुत पक्के बटन लगे हैं, पाइपिंग हुई हुई है और स्टिचिंग इतनी प्यारी है ना। शॉर्ट फ्रॉक है, प्रिंट बहुत ही प्यारा कपड़े का बहुत ही ज्यादा। और खड़े हुए दिखाओगे तस्वीर, सिलिस का स्टाइल इसका सेम ही है तस्वीर के जैसा, अर्मिश के जैसा। और बाकी यहाँ पे फ्रिल लगे हुए हैं, यहाँ पे फ्रिल वाला डिजाइन है, और ये डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, ड्रेस कम्फर्टेबल है। हाँ स्कूल पहन के जा सकती हो आप, ये गान ठीक। अब नीचे क्यों गिर गई हो, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? मूछे वाले अंकल, ये है हमारे अंकल, छोटे से अंकल। अंकल अंकल अंकल, आप कुर्ते सलवार में बहुत प्यारे लग रहे हो अंकल। छोटा वकास, छोटा वकास, हमारा छोटा वकास। मैं पापा की तस्वीर दिखाऊं, बिल्कुल ऐसे हैं वो, लेके आओ तस्वीर, हिलना नहीं आसमें लेके आती। ये देखें शेख वकास, ये देखें ये शेख वकास, और ये शेख बलाज, ये शेख बलाज, ये देखो है कि नहीं सेम सेम। दिखा रहे हो शादी को, आप भी मिलती हो पापा में, आप सब पापा में ही मिलती हो, मामा को कोई भी नहीं। हाँ ठीक है, आप मेरे में मिलती हो जबरदस्ती, आप नहीं मिलते हो, आप बहुत प्यारे लग रहे हो, कलर्स बहुत वाइब्रेंट लग रहे हैं। आप लोगों की तरफ से पेज रिकमेंडेड है रियलिटी का। तो बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि बच्चों के ईद के कपड़े कहाँ से ले, क्योंकि ना आजकल ना मार्केट में बिल्कुल भी अच्छा कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े लेकर आई थी अभी अलजन्नत से भी, तो वो मैंने वॉश किए सारे, उनका कलर ख़राब गया, मुझे बड़ा गुस्सा आया यार उनके ऊपर, कितने महंगे, एक एक शर्ट जो थी ना वो दो दो हज़ार तीन तीन हज़ार की थी और वॉश करते के साथ ख़राब हो गए। तो रियलिटी पर इतनी प्यारी कलेक्शन आई हुई है ना, इसीलिए साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी ताकि आप देख लो कितने आला आर्टिकल्स आए हुए हैं। इसके अलावा ना आप इनकी स्टिचिंग भी देख लो और फिनिशिंग देख लो, मैं पेज टेक कर दूँगी, डिस्काउंट कोड लगा दूँगी, आप लोग जाकर ना बाय कर लेना पेज से, ठीक है। मेरे बेबी का ड्रेस नहीं आया, मेरे बेबी का ड्रेस क्यों नहीं आया बेटा, क्यों क्यों क्यों, ये कौन है बताओ, आवाज है ये, सच्ची बताओ, देखो बलाज बोलेगा, ये बलाज है ना, मैं छज्जी के मेरे पे गया, मेरा गुड्डा पौला गुड्डा, मेरी ग्रीन आंखों वाला गुड्डा। मैं भी जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन से लेने, बिकॉज बहुत देर हो गई है, उनका मैसेज भी आ गया, और बच्चों को ले जाओ ट्यूशन से, तो बच्चों को लेके आते हैं। मलाज आप क्यों रो रहे थे, आप हाँ तो चली गई थी, तो आप पढ़ने के लिए आते हो ना, नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, चलो आओ गाड़ी के अंदर आओ, पहले गाड़ी गई थी। अब आज आप पापा पापा करते क्यों आते हो, मामा को क्यों नहीं बुलाते हैं, अब आज ये देखिए जी हमारे लॉन में कितने प्यारे पौधे निकल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, पूरा लॉन ग्रीन हो गया हमारा। अब बीच टाइम हो गया इफ्तारी बनाने का, वकास कैमरा देख रहे हैं, जो उन्होंने दराज से ऑर्डर किया था, दो कैमरे ऑर्डर किए थे उन्होंने, एक कमरे के लिए किचन के लिए। अब यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ यखनी वाला पुलाव, सबसे पहले मैंने जो पुलाव की चीज़ें होती हैं वो भूनी है, फिर ना मैंने गोश्त डाल दिया था उसमें दम लगाने के लिए, कुकर लगाने के लिए, सॉरी कल किसी ने रिक्वेस्ट की थी आप यखनी वाला पुलाव बनाना और साथ में ना स्पेगेटी बनाना, तो समझे तस्वीर की तो सुनी गई है स्पेगेटी बना दे, क्योंकि ना स्पेगेटी ना वकास नहीं खाते, और मैं कोशिश करती हूँ इफ्तार में वो चीज़ें बना लूँ जो वकास खा लें शौक से, क्योंकि वकास आप देखें रोज़ा रख रहे हैं तो कितने कमज़ोर
रहा है, उनका वजन फौरन से गिरता है। साथ में ना आज वकास फ्रूट्स लेकर आए थे, काफी दिन हो गए फ्रूट्स नहीं लाए। एक तरबूज ही लेकर आए थे, उस दिन भी लोगों ने कहा था कि आप ही फ्रूट्स ना यूज करें, बायकॉट करें फ्रूट्स का। तो मेरे ख्याल से फ्रूट्स की प्राइस कम हो गई है, तो फिर वकास आज फ्रूट्स लेकर आए थे। अनार ऑलरेडी पड़ा हुआ था, केला, सेब, कीवी, स्ट्रॉबेरीज और पता नहीं क्या लाए थे, अमरूद लाए थे, छोटी छोटी चीजें लाए थे कि मुझे फ्रूट चाट बना देना क्रीम वाली, और साथ वनीला एसेंस भी ले आए थे। यहाँ पे ना मेरे से कुकर सही नहीं लगा था, वकास ने सही लगा के दिया है मुझे कुकर। मैंने कहा आप चीज़ें फ्राई करें, मेरे साथ साथ बनाती हुई, बीच बीच में बच्चे बड़ा तंग कर रहे थे, आपको नजर आ रहा हो, कोई ना कोई चीज़ लेके आ जाते हैं। पकौड़ों का सामान ऑलरेडी कटा हुआ था, मैंने सिर्फ बेसन ऐड करके वकास को दे दिया, ये ले आप कर लें। और यहाँ पे ना जो मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर रही हूँ ना, वो सारा मसाला जो मैंने भुना, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, सब कुछ डाल के ना मैंने एक दफ़ा भून लिया था, स्पैगेटी के लिए भी और उसके लिए भी, यखनी वाले पुलाव के लिए भी। यहाँ वकास समोसे फ्राई कर रहे हैं, मैंने एक दफ़ा भून लिया था कि दोनों में ना हाफ हाफ कर लूँगी, क्योंकि ना स्पैगेटी के अंदर सॉसेज डालने होते हैं और पुलाव के अंदर डालना होता है बिरयानी मसाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखे ना मैंने बर्तन में डाल दिया उसको ताकि वो भून जाए। अब उस तरह मैं खड़ी होकर फ्रूट चाट काट रही हूँ, इतने स्पीड में मैंने फ्रूट चाट बनाई, मुझे खुद पता नहीं था। सारी चीज़ें डाली है मैंने उसमें, अमरूद, सेब, केला, अनार, कीवी, स्ट्रॉबेरीज और तो कुछ रहने की आई थिंक यही था। साथ में ना बादाम डालें काट के, और साथ में खजूरें डालें काट के। ना फ्रूट चाट में ना खजूर और बादाम बहुत अच्छे लगते हैं, इसके अलावा मुरब्बे बड़े अच्छे लगते हैं। वकास को मैं कह रही थी मुझे मुरब्बे भी ला देना, जैसे हम बाहर से खाते हैं ना खरीद के क्रीम चाट, उसमें मुरब्बे भी होते हैं और बादाम और खजूर भी होता है, सिर्फ मुरब्बे की कमी लग रही है, बाकी तो बहुत मज़े की बनी थी चाट, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। इवन बच्चों ने शौक से खाई थी, बिल्कुल फिनिश हो गई है चाट। तो अभी तो यहाँ पे मैंने क्रीम मिक्स किया, साथ वनीला एसेंस मिक्स किया, साथ शुगर मिक्स की है। और अच्छा भाई, तो ये मैंने फ्रूट चाट बनाई है आज, इसमें सारे फ्रूट्स डाले हैं आज, हमने पूरे रमजान फ्रूट्स लिए ही नहीं थे, आप लोगों ने सब बायकॉट करो। तो आज मेरे पास अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरीज और सेब, अनार, केला लेकर आए थे, तो मैंने फ्रूट चाट बना दिया। इसमें मैंने ना खजूर भी डाली है और बादाम भी डाले हैं साथ में, जायका बहुत अच्छा बना। और ये खा भी लिया फ्रूट चाट, चखाना मुझे, वनीला से बहुत मज़े का जायका बनता है। लड़की कहती है आप कोई भी चीज़ बनाते हैं बहुत मज़े की, बहुत मज़े की है, नहीं मज़े की बनाओ, मज़े की है तो मज़े की बोलेंगे ना, नहीं होगी तो नहीं बोलेंगे, हैं भी बकार। क्योंकि ना इफ्तारी का टाइम हो गया था और ना चावल को दम लगने में टाइम था, और स्पैगेटी को भी मैंने कहा आप इफ्तारी करें, वो वाला जो चीज़ है ना वो मगरिब की नमाज के बाद खा लेना। दही भल्ले कल के बचे हुए थे मैंने, साथ में चने और आलू और थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह और ऐड कर दिया था। बलाज अबाज समोसे खाते हैं, आपको पता ही है शौक से, और मैं आलू की टिक्कियाँ बहुत शौक से खाती हूँ ग्रीन चटनी के साथ। हालाँकि मुझे इतनी भूख लगी थी और मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया मैंने, मैंने कहा इफ्तारी के टाइम ही खाऊँगी, याद ही नहीं रहता पहली बात तो। और फ्रूट चाट बहुत मज़े की बनी थी, मैंने दो दफ़ा डाल के खाई, अब हाज ने भी डलवा के खाई है, क्योंकि ना इसमें कीवी भी थी ना तो बहुत ही मजे का टेस्ट आ रहा था कीवी की वजह से फ्रूट चाट का। मैंने गर्मा ने डाला इसके अंदर। कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है, बहुत ये लो। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने चिकन को फ्राई किया स्पैगेटी के लिए, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है, वैसे भी नहीं खाते, फ्राई कर दो ना फिर भी नहीं खाते, पर ये कि ज़बरदस्ती मैं खिला देती हूँ, खाओ जी खाओ, मैंने फ्राई किया हुआ, ये किया हुआ, वो किया हुआ है, फ्राई करके ना बोटी को ना मैश मैश कर दो ना नूडल्स के अंदर मिक्स कर दो, फिर खा लेते हैं बच्चे। फिर ग्रेवी में डाल के चिकन को पानी डाल के इसको मैंने गलने के लिए छोड़ दिया था कि चिकन अच्छे से गल जाए और तरी आ जाए ज़रा, उसके बाद जो है हम इसमें ना स्पैगेटी मिक्स करके दम लगा देंगे। इसके अलावा जो मटन था ना वो भी मैंने सारा निकाल के यखनी से भून लिया था मैंने उसको कढ़ाई के अंदर, और जो यखनी थी ना वो मैंने डाल दी थी उसके अंदर जहाँ पे ग्रेवी डाली थी चावलों वाली। उसके बाद जी मैंने स्पैगेटी को भी और चावलों को भी दम लगा दिया था, एक के ऊपर कुकर ढक दिया था और एक के ऊपर बड़ा भारी सा बर्तन, कहीं हमारा बर्तन भाग ना जाए दम से निकल के। तुमने पहले उल्टा किया हुआ, यूं करके उल्टा करते स्पैगेटी को दम लग गया है। तस्वीर बहुत इंतज़ार कर रही थी कि बन जाए तो मैं खा जाऊं। तस्वीर को ना इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी कैप्सिकम, बंद गोभी, गाजर, मटर कुछ भी डाल दो, इवन आलू के फ्राइज़ भी डाल दो ना वो नहीं खाती है, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा ट्राई किया है कैसी बनाऊँ जो ये खा ले शौक से, इसने उनको हाथ भी नहीं लगाया, कहती मामा इसके अंदर ना ऐसे सब्ज़ी वाला टेस्ट आना शुरू हो जाता है। फिर बच्चों को जो पसंद है ना फिर मैं तो वही चीज़ बनाती हूँ, मेरे डॉक्टर भी कहते हैं जो बच्चों को पसंद है वो खिलाओ। नहीं मारो खाई है, चिकन भी खाना साथ। इसकी नजारा
तो भाई हम लोगों ने मगरिब की नमाज के बाद बैठ के खाया था जी मटन पुलाव और साथ में स्पेगेटी। और शक्कर गोला भी हमने पहले नहीं निकाला था, इसलिए कि हम जब चावल खाएंगे उस टाइम खाएंगे, तो शक्कर गोला में लीची मिला के हमने उस टाइम खाई और बड़ा मज़ा आया यार माशाल्लाह, सब चीज़ अच्छी बनी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने और तसीम ने बैठ के खाना खाया है। हमने इफ्तारी के टाइम सिर्फ फ्रूट चाट खाई थी और एक दो टिक्कियाँ खाई थी बस। अब हमने बैठ के खाना खाया है, वकास ने चावल खाने थे और हमने खानी थी स्पेगेटी मैंने और तसीम ने, और साथ मुझे शक्कर गोला डाल दिया मैंने गिलास के अंदर। आज ना लीची के साथ शक्कर गोला मिक्स किया क्योंकि कल लीची के साथ पिया था, बड़े मज़े का लग रहा था। नया हमने डिश निकाल दी है, नया शरबत निकाला है सॉरी। और फ्रूट चाट देखें इतनी सी रहेगी थी, ये तो आते साथ सबने खा लिए माशाल्लाह से। और समोसे जो बलाद ने बचाए वो साफ कर रही हूँ ताकि ज़ाया ना हो बस। हाँ जी खाएं जी, बताया और कैसे बनी फिर? बस चिली सॉस नहीं था उसी का, वो भी ले आएंगे डाल लेंगे। बताओ स्पाइसी बनी है सब कुछ? आइए मैंने भी खाई लीची, ये इलायची नहीं है जी, चिली सॉस। हाँ जी आ जाए okay. इसे डालो, हटो ठीक है हटो। मैं तो तुख मलंगा में लीची मिला के पी थी, बड़े मजे की लग रही थी। ठीक है देख लो बेटा, इसमें तुख मलंगा मिलाऊंगा देखना। बताओ है ना चाहिए? चाहिए मैं भी वीडियो एडिट कर रही हूँ, मुझे स्पेगेटी देख के ना फिर मुंह में पानी आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है अभी नीचे जाऊँ किचन में स्पेगेटी गरम करूँ खाऊँ। मैं वीडियो लगाने के बाद जाऊँगी स्पेगेटी गरम करके खाऊँगी, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ वगैरह करनी है वो करूँ, क्योंकि रमज़ान में मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। मैं स्टोरीज़ और प्रमोशनल वीडियोज़ कुछ भी नहीं कर पा रही क्योंकि शेड्यूल इतना टफ हो गया है मेरा। भाई तो ये मेरा आज का व्लॉग था और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ यार कि 8 बजे व्लॉग अपलोड कर दूँ, लेकिन यकीन करें इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम जाके देखो, मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं लगा पा रही, ना कोई स्टोरी ना कुछ। घर के इतने काम होते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते काम घर के, और बच्चों को ये बना दो, बच्चों का वो कर दो, बस इसी में बिजी रहती हूँ मैं। तो मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ यार मैं ईद से पहले पहले ना, क्योंकि आपको पता है ब्रांड्स की स्टोरीज होती हैं और बेचारों को ना रीच चाहिए होती है, छोटे छोटे पेजेस होते हैं, और 22 रमजान के बाद किसी की जा भी नहीं सकेगी, कोई बुकिंग होगी या ऑर्डर होगा, मुझे कहते हैं मैडम स्टोरी लगा दें, मैम स्टोरी लगा दें, मैं क्या करूँ यार, इतनी लेट हो जाता है, फिर लेट लगाने का फ़ायदा नहीं, उनको रीच नहीं आती। रीच का टाइम होता है 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक, 11 बजे तक हद, उसके बाद रीच नहीं आती, दिन में लोग देखते नहीं है मोबाइल, मतलब बहुत मुश्किल हुआ हुआ मेरे। खैर मैंने अभी रियलिटी के जो आपके साथ कपड़े शेयर किए ना, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप यकीन करें। मैं अलजन्ना से कपड़े लेकर आई थी और बहुत एक्सपेंसिव अपनी तरफ से चुन चुन के अच्छे अच्छे लेकर आई थी। 2 घंटे मैंने प्रॉपर छानने में लगाए थे वो कपड़े, एक एक शर्ट, और जैसे मैंने वो कपड़े धोए उनका कलर उतर गया, मुझे इतना गुस्सा आया। हालांकि वो कह रहे थे इम्पोर्टेड है जी, स्टफ खराब नहीं होगा फला ढिमका, मतलब इतना बड़ा, इतनी बड़ा नाम है और कपड़ों की क्वालिटी ये है। अभी मैंने रियलिटी से कपड़े मंगवाए, उससे पहले भी मैंने मंगवाए, कोई स्टफ का मसला नहीं था। इसके अलावा रियलिटी पे कपड़ों की प्राइजेस क्या है, 1100, 1700, 1900 ऑफ लगा हुआ, और इतने अच्छे अच्छे कपड़े इतनी कम प्राइस में। और तस्वीर ने जो आज भी शर्ट पहनी हुई थी ना काले कलर वाली, वो मैंने इसकी शर्ट अलजन्ना से ली थी अंडर 3000, और जो अर्मिश ने पहना हुआ व्हाइट वाला वो भी उतने में लिया था, और उन दोनों की पैंट का कलर फेड हो गया। पैंट्स की प्राइजेस अलहदा थी, पैंट साथ इंक्लूड नहीं थी, पैंट कोई 1700 की थी, कोई 2200 की थी। ऐसे बताए इतने महंगे महंगे कपड़े मैं खुद जाकर इतना टाइम वेस्ट करके लेकर आई, उससे बेहतर नहीं मैं ऑनलाइन जाऊँ किसी भी पेज के ऊपर जिसके रिव्यूज अच्छे हों और उससे जाके सेलेक्ट कर लूँ कपड़े और वहां से बाय कर लूँ, घर बैठे कपड़े भी आ जाएंगे मेरे, मेरा टाइम भी नहीं सर्व होगा। और इसके अलावा कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप रिप्लेस करवा सकते हो, साइज सही नहीं आता तो आप रिप्लेस करवा सकते हो। वैसे मेरा कभी ना ऑनलाइन साइज का मसला नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्डर कर करके ना इतना एक्सपीरियंस हो गया ना मुझे, ना अब फिजिकल शॉपिंग से ज्यादा ना ऑनलाइन अच्छा लगता है। अपने ईद के कपड़े, अपने जूते, अपनी सारी चीजें मैं ऑनलाइन लेती हूँ, पार्ट्स वगैरह सब कुछ। तो मैं ना रियलिटी का लिंक लगा दूंगी आप लोगों के लिए, मेरा कोड भी एक्टिव करवा दूंगी, Natasha5 कोड था मेरा, उस पर अगर एक्टिव हुआ तो बता दूंगी आपको। और इसके अलावा सारे लिंक्स लगा दूंगी, आप लोग जाके अपने बच्चों के लिए, लड़के हैं लड़की आप लोग बाय कर सकते हो, वहाँ से एज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, कोड लगा सकते हो, कलर्स वगैरह बहुत ही प्यारे आर्टिकल हैं, बहुत ही प्यारे। स्पेशली ना बच्चियों के आर्टिकल नहीं मिलते अच्छे, और इनके पास बहुत अच्छे आर्टिकल आए हैं बच्चों के, मुझे तो देख के मेरा दिल खुश हो गया। मैं पेज शेयर कर दूँगी, आप लोग जाके बाय कर लेना, और बताना बच्चों के मैट्रेस कैसे लग रहे थे। वीडियो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, वीडियो को लाइक किया करें ढेर सारा, ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया।
रिया, मैं आपसे सब्सक्राइब करने का नहीं बोलती हूँ चैनल, पर आप लोग कर लिया करो खुद से यार। मतलब अब हमारा इतना तो बॉन्डिंग हमारी हो गई है, इतना हमारा कनेक्शन हो गया कि मुझे आपको कहना ना पड़े वीडियो को लाइक करने के लिए या कमेंट करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए। और मैंने आपके साथ कम्युनिटी में अपना मेन चैनल शेयर किया था और आपने उसी दिन में ना उस चैनल के अटक गए थे सब्सक्राइबर 989 पे, और उसी दिन आपने उसके 990 सब्सक्राइबर कर दिए थे और अभी 991 हो गए हैं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर दो ताकि आपकी आप ही का गोल्डन प्ले बटन आ जाए। ठीक है, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।